आत्मज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति के पास बेहद जरूरी है, क्योंकि गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते बल्कि पाप का रास्ता छोड़ने से ही उन्नति प्राप्त होती है। बीके रेखा बहन। सिंगरौली में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गांधीनगर पोरसा के मुख्य सेवा केंद्र पर आज गंगा दशहरे पर बीके रेखा बहन ने कहा कि हम गंगा स्नान करने जाते हैं और कहते हैं कि हर हर गंगे। गंगा मैया, हमने जितने भी उल्टे सीधे कर्म किए हैं, हमारे पापों को गंगा मैया आप ले लो, अर्थात गंगा मैया में पाप धुलने आए हैं, ऐसा सोचकर हम सभी गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं और कहते हैं अपने विकर्मों का विनाश करने गए थे, अर्थात जितनी भी गलतियां हमसे जाने अनजाने में हुई हैं वह हम गंगा स्नान कर दूर कर आए। आध्यात्मिकता जबकि ये कहती है कि अगर गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते तो हम रोज हर दिन पाप करते और गंगा स्नान कर लेते। गंगा स्नान करना अर्थात जब हम ये संकल्प करते हैं कि हम गंगा मैया में स्नान करने जा रहे हैं, तो इसके साथ ही हमें ये संकल्प भी करना चाहिए कि गंगा मैया जब हम द्वार आएंगे तो हम बिल्कुल पुण्य आत्मा बनकर आएंगे। इस स्नान के बाद, इस डुबकी के बाद हमसे कोई भी गलत कार्य ना हो और हमारे अंदर इतनी कार्य क्षमता देना, समझने और सोचने की शक्ति देना कि हम कोई भी कर्म उल्टा सीधा ना करें, अर्थात किसी को दुख ना दे, परेशान ना करें, किसी के लिए अपशब्द ना बोले, किसी के लिए बद्दुआ ना बोले। हमारे अंदर से जब भी किसी आत्मा के प्रति, मनुष्य आत्मा के प्रति भावनाएं निकले तो वह शुभ भावना ही हो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीता राम जी के जयकारा लगाते हैं। जय सियाराम। हम भगवान लीलाधर मुरलीधर कृष्ण की पूजा करते हैं, अपने छोटे से लाला की तरह आपको अपना लाल मानते हैं, हम हनुमान जी को याद करते हैं।